है बड़ा तालाब और इसी के सामने है ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंदिर। और आज मैं आप सभी को इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा जो कमला पार्क के पास में है, बड़े तालाब के पास में है, इसके दर्शन कराऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। राज राजेश्वर केला देवी मंदिर है ये, इसमें सभी भक्तों को दर्शन कराना। तो अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के इस साइड कुछ लोग बैठे रहते हैं, अगर उनको खाना खिलाना हो या कुछ सहायता करनी हो तो कर सकते हैं, और इस साइड अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। पहले पूजा सामग्री मंदिर के अंदर ही उपलब्ध है, तो आप मंदिर के अंदर ही पास में दो छोटी दुकानें हैं, वहां से मंदिर की सामग्री लें। ये मंदिर सामग्री की दुकानें हैं। सबसे पहले मंदिर में हम भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे। मंदिर के बाहर पहले घंटी बजाएंगे, इसके बाद हम मंदिर में अंदर चलेंगे, एक घंटी और है उसको बजाएंगे। अब हम सामने भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, और ये भगवान हनुमान जी के पुजारी। तो आप लोग कर रहे हैं भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन, जो कमला पार्क के पास में स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में स्थित है। भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ की कृपा ही निराली है। तो सभी भक्तों से निवेदन रहेगा एक बार ज़रूर आएँ और अपने भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी के नाम से हैं, तो एक बार ज़रूर आएँ, अपने वीर बजरंगी भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करें, पुण्य का लाभ करें। मंगलवार के दिन भगवान के जाप करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने कष्टों को मिटाएं। जय श्री भगवान श्री हनुमान जी के पुजारी हैं रूप नारायण शर्मा जी, तो मंदिर में जब भी आए इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन। आप लोग देख रहे हैं भगवान श्री हनुमान जी को कमला पार्क के पास में स्थित श्री राज राजेश्वरी केला देवी माता मंदिर में स्थित भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन, बहुत ही प्यारे हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, हर हर महादेव। यह मंदिर में उपस्थित भगवान श्री गणेश हैं माता रिद्धि और माता सिद्धि के साथ में। जय श्री गणेश। इनके बाजू में माँ सरस्वती हैं, जय माँ सरस्वती। और इनके पास में ही भगवान दत्तात्रेय हैं, देव ऋषि हैं, और ये श्री संत महाराज हैं। इनके पास में ही भगवान श्री नरसिंह जी हैं, जय श्री नरसिंह भगवान। और पास में हनुमान जी, भैया लक्ष्मण, भगवान श्री राम और माँ सीता जी हैं। अष्टभुजाधारी जगदम्बे मैया हैं पास में ही, और बगल में माँ नर्मदे माता हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और माँ दुर्गा, जय दुर्गे मैया। मंदिर में स्थित भगवान शिव शंकर शंभु के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। एक बार बोलें हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान बैजनाथ, ओमकारेश्वर, भगवान महाकालेश्वर, भगवान मल्लिका अर्जुन, भगवान नागेश्वर, भगवान नागचंद्रेश्वर, भगवान शिव शंकर स्वयं, भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, यहाँ पर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। और पास में ही भगवान उज्जैन के महाकाल महाकालेश्वर, जय महाकाल। ये संत झूलेलाल भगवान हैं, जय संत झूलेलाल जी की। आप लोग दर्शन कर रहे हैं माता राज राजेश्वरी माँ श्री कैला देवी के मंदिर में। हम अंदर जाएंगे तो भगवान काल भैरव हैं उल्टे हाथ पर, और सीधे हाथ पर भगवान दत्तात्रेय हैं। ये हैं माता राज राजेश्वरी श्री कैला देवी, जय कैला देवी मैया। जय राज राजेश्वरी माता। आप लोग कर रहे हैं राज राजेश्वरी माता के दर्शन, एक बार सभी बोले राज राजेश्वरी माता की जय। अब हम आगे चलते हैं, भगवान श्री शनि देव के दर्शन करेंगे। सभी भक्तजनों को बताना चाहेंगे यहाँ पर अब हम शनि भगवान के दर्शन करेंगे। यहाँ पर भगवान शनि देव बहुत ही प्यारे दिव्य रूप में स्वर्ण कमल जैसे, स्वर्ण कलश जैसे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं भगवान श्री शनि देव। और पास में ही भगवान शनि देव की नौ रूपों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो उनकी लीलाएं हैं उन सभी का वर्णन है, जो उनके नौ रूपों का विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। भगवान शनि देव के नौ रूप आप लोग देख रहे हैं, भगवान शनि देव के दिव्य रूप के दर्शन, जय शनि देव। यह मंदिर में उपस्थित संत महाराज की प्रतिमा है, ये गुरुदेव हैं, मंदिर में पहले पुजारी थे और ये उनके बाद के गुरुदेव हैं।
और इनके पास में ही श्रवण भगवान श्रवण जी की प्रतिमा है। श्रवण भगवान अपने माता पिता को साथ में रखे हैं। ये चित्रगुप्त जी हैं, इनको बोलते हैं भगवान चित्रगुप्त। इनके पास में भगवान श्री गणेश जी हैं, जय श्री गणेश। और इनके ही पास में बड़े गणेश जी हैं जो कमल पुष्प पर विराजित हैं। जय श्री गणेश, भगवान की जय। मंदिर के दर्शन पूर्ण हो चुके हैं, सभी एक बार मिलकर बोलेंगे जय श्री राम।